सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब भी ये पंक्तियाँ हमारे जहन में आती हैं तो रामप्रसाद बिस्मिल का चित्र अनायास ही सामने आ जाता है। लेकिन शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि ये पंक्तियाँ बिस्मिल अजीमाबादी की लिखी हुई हैं, जिन्हें रामप्रसाद बिस्मिल अक्सर अपने क्रांतिकारी दोस्तों के साथ मिलकर गाया करते थे। हालांकि 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में पैदा हुए रामप्रसाद बिस्मिल खुद भी एक कवि और शायर थे। एक बार का वाक्य है कि उन पर जब मुकदमा चलाया जा रहा था तो वकील ने उन्हें मुलजिमान की जगह मुलाजिम कह दिया था। तो इस बात पर रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने शायराना अंदाज में उन पर फफ्तियां कसते हुए कहा कि मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत के अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं, पलट देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी ज़ुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड जैसी घटनाओं में शामिल रहे और उनका खौफ अंग्रेज सरकार में इस कदर था कि उनकी आत्मकथा को बार बार जब्त कर लिया गया कि इससे बगावत की आवाज़ और बुलंद होगी। लेकिन आखिर में 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दे दी गई। अपने आखिरी समय में भी रामप्रसाद बिस्मिल ने अजीमाबादी की उन्हीं पंक्तियों को दोहराया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।